हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं संदीप कुमार आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम दोस्तों इस वीडियो में आरटीपी कॉन्स्टेबल ड्राइवर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। गाइज, कई मेरे फ्रेंड्स का कमेंट आता है मुझे कि सर इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जाएगा या नहीं मांगा जाएगा, और हमारा जो लाइसेंस होता है कौन सा सर हमें लाइसेंस चाहिए, हैवी चाहिए या फिर मीडियम चाहिए या फिर लाइट चाहिए। तो गाइज, सारे डिस्कस वीडियो में करेंगे, आपका एक भी डाउट ऐसा नहीं होगा जो आपको क्लियर ना हो। आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दूंगा वीडियो में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, आपको वीडियो पूरा देखना है बिना स्किप किए हुए, ठीक है। तो मैं आपके ज्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक ऑफिशियल नोटिस दिखा देता हूँ आरटीपी कॉन्स्टेबल ड्राइवर के बारे में। उस नोटिस के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि आपका इसमें क्या क्या मांगा गया है, ठीक है। सबसे पहले हम अपना गूगल ऑन कर लेते हैं, यहाँ फिलअप करना है आरटीपी ड्राइवर ऑफिशियल नोटिस, ठीक है। इतना फिलअप करने के बाद सर्च पे क्लिक कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे देखिए गूगल सर्च, तो मैं क्लिक कर लेता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आरटीपीपी कॉन्स्टेबल ड्राइवर एडमिट कार्ड, तो मैं यहाँ पे एक बार क्लिक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने क्लिक कर लिया है। ओके, तो आप इस साइट पे आ गए हो। इसमें आपकी मैं एज लिमिट की बात करूँ, यहाँ पे देखिए 18 से 27 तक की एज मांगी गई थी शायद, ठीक है, आप देख सकते हैं आप। और एक दूसरे नोटिस में शायद 21 से 27 साल दी गई है इसमें आपकी एज। ओके, इसमें जो एस सी एस टी है उसको अलग से छूट दी गई थी। इसमें वैकेंसीज की बात करूँ, आपकी 134 वैकेंसीज थी। ओके, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स नोटिफिकेशन, एज ये ऑफिशियल नोटिस है, आपको जो दिखा रहा हूँ अभी, तो मैं यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेता हूँ। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा इसमें, ठीक है। तो गाइस ये जो देख रहे हैं नोटिस, ये ऑफिशियल नोटिस है। इसमें आपकी मैं सैलरी की बात करूँ, 2700 से 2900 रुपये आपकी इसमें सैलरी होगी। इसमें आपकी सैलरी काफी अच्छी है, अगर आप इसमें जॉब में लग जाते हो तो इसमें सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी है। मैं तो चाहता हूँ मेरे सब भाई इसमें लग जाएं। ओके, एंड नीचे देखिए कॉन्स्टेबल ड्राइवर 134 टोटल वैकेंसीज, यूआर की 47, एससी की 68, एसटी की 5 वैकेंसी, ओबीसी की 14। ओके, और कई मेरे फ्रेंड्स पूछ रहे कि सर इसमें वैकेंसीज हमारी इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी, तो देखिए गाइस मुझे अभी कोई लग नहीं रहा है फिलहाल इसमें आपकी वैकेंसीज बढ़ सकती हैं। अगर आपकी वैकेंसीज बढ़ती हैं तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको मालूम पड़ जाएगा आपकी वैकेंसीज बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं आपके लिए जब वीडियो बनाऊँ वैकेंसीज बढ़ने के उसे में, तो आप प्लीज मेरी वीडियो को देख पाओ। इसलिए आपको सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और बेल बटन भी ऑन कर लेना है, ताकि जब मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन आराम से मिल जाए, ठीक है। तो नीचे आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। अब इसमें एज लिमिट की बात करूँ मैं, यहाँ पे आपकी एज मांगी गई है 21-27 ईयर के बीच में आपकी एज इसमें मांगी गई थी। जो भी 21 साल के हैं या फिर 21 साल से अबव हैं वो इस फॉर्म को फिलअप करने के योग्य थे, और जिनकी उम्र 27 साल से ऊपर थी जनरल्स में वो इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाए थे। आपकी एज इसमें 21 से 27 के बीच में मांगी गई थी। ओके, और जो एस सी एस टी ओबीसी थे उनको इसमें अलग से छूट दी गई थी, आप ये बात जानते हो। ओके, इसमें बताने कोई बात भी नहीं है, वैसे मैंने आपको बता दिया है एक्स्ट्रा में। और यहाँ पे देखिए मेट्रिकुलेशन ऑन 10th क्लास पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इक्विवेलेंट। इसमें ये कहा गया है आपका ये जो फॉर्म था ओनली 10th पास पे था, आपको पता ही होगा, आपने भरा था जब। तो नीचे देखिए सेकंड ऑप्शन आपको चेक करना है, यहाँ पे देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। हैविंग ए वैलिड लाइसेंस ट्रांसपोर्ट फॉर लाइट और मीडियम और हैवी मोटर व्हीकल विद ओवरऑल मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग। गाइज यहाँ पे आपके मतलब बिल्कुल मेंशन नहीं किया गया कि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, आपके पास ओनली एक्सपीरियंस मांगा गया, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए बस, ठीक है। शायद इसलिए कह रहे हैं ये, ताकि आप वहाँ पे अच्छे से उनको मतलब कि दिखा सको कि आप स्किल टेस्ट में कितना कुछ करते हो, ठीक है। शायद इसलिए ही आप पे दिखाया गया है, आपसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहाँ पे नहीं मांगा गया है, ध्यान दीजिएगा, आपसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं मांगा गया है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट टाइम बात करें हम, यहाँ पे देखिए आपको लाइसेंस कौन सा चाहिए। कभी मतलब काफी फ्रेंड्स का कमेंट था कि यार कि मतलब सर हमारे पास ये लाइसेंस है या कौन सा लाइसेंस चाहिए हमें, तो यार प्लीज यार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज डरिए मत। अगर आपने इस फॉर्म को भरा था और आपका रिटन टेस्ट क्लियर हो चुका है यार, तो मैं चाहता हूँ मेरे सब भाई इसमें लग जाए, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए यार, सब कुछ में नॉर्मल है। आपने फॉर्म भरा था तो आपने कुछ सोच के फॉर्म भरा होगा ना। तो देखिए यहाँ पे देखिए ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसपोर्ट फॉर लाइट और मीडियम और हैवी मोटर। तो गाइज आप इसमें ध्यान दीजिए, आपके इसमें तीनों लाइन आपके पास, देखो आपके पास लाइट हो या फिर मीडियम हो या फिर हैवी हो, तीनों में से आपके पास कोई भी हो आपका वहां पे वैलिड माना जाएगा, ठीक है। क्या सुना, आपके पास हैवी हो, लाइट हो या मीडियम हो, आपके पास तीनों लाइसेंस में से कोई एक हो आपका वहां पे वैलिड माना जाएगा 100%। ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, आपका माना जाएगा, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके,
जिनके डाउट्स थे आपका डाउट क्लियर हो गया है ओके, और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपको वो भी नहीं चाहिए ठीक है। आपको मुझे मैसेज करता हूँ, मेरी बात आपको बहुत समझ में आ रही होगी, अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना ओके। और नेक्स्ट बात आती है कि आपको स्किल टेस्ट कैसे पास करना है। कई मेरे दोस्तों का कमेंट ये भी था सर स्किल टेस्ट में कैसे क्या होता है, हमें कुछ भी नहीं पता है। तो देखिए कुछ नहीं है यार, बिल्कुल नॉर्मल होगा, आपको ओनली पास पास करना है, उसमें आपको 50 मार्क्स नहीं लेने हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार अच्छा करो, जितना भी जैसे भी करो अच्छा करो ठीक है, आपको ओनली पास करना है। वो पास करने के लिए देखिए गाइस ध्यान दीजिएगा, जो भी टैंकर होता है, जो बड़ा टैंकर होता है, गाड़ी होती है, आप ज्यादातर ध्यान दीजिए बैक करने पर, गाड़ी बैक कैसे चलाना, मोड़ते कैसे हैं ठीक है, मिरर कैसे लगा सेट करते हैं, गाड़ी को जब मोड़ रहे हैं किस चीज की सावधानी रखनी है, जब हम गाड़ी को चढ़ाई पे लेके जाते हैं तब कैसे, कौन से गियर में चलती है, कौन से गियर में नीचे लेके आते हैं, आपको ये सब बातें नॉर्मल नॉर्मल बातें होती हैं, इनका पता होना चाहिए आपको। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट लगता है, मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बना रखी है स्किल टेस्ट के ऊपर, आपका स्किल टेस्ट कैसे किस प्रकार से होगा वो वीडियो आप देख लेना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ठीक है। आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ठीक है, मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वीडियो देख लीजिएगा, आपके सब डाउट्स क्लियर वैसे भी हो जाएंगे। और जिन जिन मेरे भाई का रिटन टेस्ट क्लियर हुआ है उन सबको गुड लक यार, मैं चाहता हूँ मेरे सब भाई इसमें लग जाएं जिनका रिटन टेस्ट क्लियर हुआ है। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहा करो यार, एंड आप मुझे इतना प्यार दे रहे हो वीडियो को लाइक करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइज। तो प्लीज यार ये चैनल आपका भाई जो गाइज, आप कभी भी देख लेना, मैं आपको हमेशा रियल न्यूज देता हूँ, एकदम जेन्युइन बात बताता हूँ ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। और आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो गाइज, आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन भी ऑन कर लेना है, ताकि आपके लिए जो नए फॉर्म आते हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाता रहता हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ठीक है। दोस्तों अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स लगता है वीडियो में प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट पक्का क्लियर करूंगा दोबारा से, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज वीडियो में दोस्तों इतना ही था।